हेलो गाइस, मैं हूं रंजन और आप देख रहे हो ठाकुर कॉमिक्स। तो बहुत बड़ा रूमर आ रहा है बॉलीवुड में नागराज की मूवी को लेके, तो क्या है वो सारी डिटेल चलिए जानते हैं इस वीडियो में। रूमर्स की माने तो रणवीर सिंह 2020 में एक फिल्म करेंगे जो कि धर्मा प्रोडक्शन से बनी होगी, और मैं यहाँ धर्मा प्रोडक्शन का नाम ले रहा हूँ, यानी कि करण जौहर भी इस मूवी से जुड़े होंगे। और ये खबर दे रही है, दिखाई जा रही है 7 दिसंबर 2019 को संजय गुप्ता ने, जो कि राज कॉमिक्स के प्रेसिडेंट और फाउंडिंग मेम्बर्स में से एक हैं, उन्होंने 7 दिसंबर 2019 को ये FB पे पोस्ट डाला कि बॉलीवुड में बहुत जल्द नागराज पर एक मूवी बन सकती है, और यहीं से बॉलीवुड का कॉमिक वर्स शुरू होगा जो कि इंडियन सुपर हीरो पर पहले कॉमिक बुक बन सकती है अगर रणवीर सिंह इस मूवी को साइन करते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस मूवी को रिलीज़ कब कर सकते हैं। तो इस मूवी को रिलीज़ किया जा सकता है ईयर 2020 में, जी हाँ, और ये कोई पहली इंडियन सुपर हीरो फिल्म होगी जो किसी कॉमिक बेस्ड मूवी पर कॉमिक्स पर बेस्ड होगी। तो अब जो फैंस हम बरसों से बॉलीवुड फैंस, जो इंडियन फैंस है, इंडियन ऑडियंस है, बरसों से जो सपना आंखों में दबाए लेकर बैठे थे, अब वो हमें पूरा होता हुआ दिख रहा है अगर ये मूवी बनती है तो, अगर ये रूमर सच होते हैं तो। फिलहाल तो ये सब रूमर है, और करण जौहर की माने तो वो भी कॉमिक्स पर फिल्म बनाना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनका प्रोडक्शन आगे बढ़े। और बहुत से रूमर्स तो आ रहे हैं, अब रणवीर सिंह को भी साइन कर लेनी चाहिए मूवी, क्योंकि हम फैंस बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं इस मूवी का। और अगले, मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये रूमर सच भी हो सकते हैं अगर रणवीर सिंह और सब कुछ अगर प्रॉपर चला तो। फिलहाल तो रणवीर सिंह अभी गली बॉय के लिए बहुत फेमस हो गए थे 2019 के लिए, जो उनकी मूवी ऑस्कर में जाने वाली है। तो बस मुझे लगता है इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी कॉन्टेंट के लिए ठाकुर कॉमिक्स को सब्सक्राइब करें।